कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई है कि आज की वीडियो हमको बताने मास्टो पेशेंट्स हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। बट हमें मालूम है वहीं डॉक्टर साइंटिस्ट उसका यूट्यूबर बोलते हैं कोई नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ा बहुत इफेक्ट देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पहले नोफेब का चेयर लिया था, मैंने उसको थोड़े द्वारा मास्टो पेशेंट स्टार्ट करा आपको बताने के लिए कि नहीं इससे वाकई में नुकसान होता है। तो आप देख सकते हैं इधर डार्क सर्कल, आप साथ में पिंपल्स देख सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो देखें उसका ना आपको अलग फ़र्क दिखेगा और इसके अंदर कि कितने मुझे पिंपल्स होते जा रहे हैं। और जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है दोबारा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ देख सकते हैं कितनी डाउन हो चुकी है। बिल्कुल मैं अजीब सा दिखने लगा हूँ और मेरे हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ मैं क्लियर बता दूँ कि हाँ इस चीज़ से नुकसान होता है। और जो ये बोलते हैं कि कुछ नुकसान नहीं होता, तो भाई सोचिए 10% हमारे जो मिनरल्स निकलना है और 90% वाटर रहता है, बट वो एक अलग चीज़ है। हम फिर आपने सोची किसी से पूछा कि क्या होता है तो आपको बता नहीं ज़्यादा कुछ नहीं होता, इससे आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आप तो लगातार करने लोग आप सोचो कोई नुकसान नहीं होता, तो बस हमें क्या दिक्कत आ रही है। हम तो इसी चक्कर में हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज हमारा मूड इतना ज़्यादा डिवाइड, मतलब हमारा ब्रेन हो चुका है कि एक तरफ हमें अच्छी चीज़ बताई जाती है, एक तरफ नेगेटिव चीज़ें कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो हम करते रहते हैं इधर पॉजिटिव चीज़ें कि नहीं इससे होता है। तो भाई वो इंसान रुक रहा है, वहीं आप उसको बोल रहे हो इससे कुछ नहीं होता, तो उसको मज़ा वैसे ही आ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं तो अच्छा काम, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये चीज़ गलत है। आप लोग जो भी इतने बड़े यूट्यूबर या डॉक्टर, तो आप थोड़ा समझिए कि लोगों को कि उनको अगर एक छोटी चीज़ बता दो इससे कुछ नुकसान नहीं होता उस चीज़ से, तो वो करते रहेंगे। जैसे आपको मालूम है दारू से नुकसान होता है, तो लोग बोलते हैं इन दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। भाई कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बीड जो रहता है, गांजा वगैरह, उनसे कोई नुकसान नहीं होता, तो भाई वो करो, ये सरकार ने बैन कर दिया है, हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। तो भी एक धुआं है, उसको भी हमारे हार्ट के अंदर जा रहा है, तो कितना नुकसान उससे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है उस समय कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए हमारे डॉक्टर को, साइंटिस्ट को, कि हाँ सही चीज़ जो है हम उसे बताएं, वो चीज़ गलत है तो गलत है, आप उससे बोल रहे हो नहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो और इंसान करता रहेगा और उससे और नुकसान होगा। ये मेरे साथ हुआ, कई लोगों ने बोला नहीं कुछ, तो मैंने फिर दोबारा स्टार्ट, अरे यार कुछ होता ही नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। फिर उसका नतीजा आप देख सकते हैं, आपके सामने मेरे हेयर देख सकते हैं क्या हो चुका है, और ये मेरा न्यू हेयर कट है आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आपको बता सकते हैं। और ये वीडियो मेरे दिल से बना रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी अभी तक। मैं जो वीडियो बनाता स्क्रिप्ट होती थी, हर चीज़ मेरे दिल से बात निकली कि नहीं ये चीज़ गलत है तो गलत है, मेरे हर चीज़ में नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरी हेल्थ से लेके मैं आपको क्या बताऊँ, हर चीज़ में, मैं यहाँ तक के चलने में इतना ज़्यादा ऐसा ना कट कट आवाज़ आने लगती है, तो इसका कुछ कारण रहते हैं हमारे है जो कट कट की आवाज़ आती है, कैल्शियम की कमी, तो मिनरल्स हमारे कम हो रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं होगा। आप सोचिए इस तरीके से हमें नुकसान होते हैं। और जो भी ये लोग बता रहे हैं यूट्यूबर कि कुछ नुकसान नहीं होता, तो आप कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ये चीज़ गलत कर रहे हो। आप अभी से छोड़ो, अपनी हेल्थ को सुधारो, ना कि इनके चक्कर में बर्बाद हो, अपनी हेल्थ को करते रहो, और बाद में जब कुछ बचता नहीं है तो आप फिर आते हो वापस पॉजिटिव टाइम में, नहीं इससे होता है, तो फिर आपको समझ में आता नहीं है कि अब तो मेरा पूरा नुकसान होगा, या फिर आपसे कुछ भी नहीं करते बंद, आप सोचते हो कि मोस्ट पेशेंट रोक दूँ तो आपसे नहीं होगा। तो इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, जिसे मैं संभला था। फिर मैंने दोबारा आपके लिए स्टार्ट करा भाई, मैं फिर से नोफेब चैनल पे स्टार्ट, तो आप है ना इस वीडियो के दिन से है ना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लगा ले मेरा जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा, मतलब 13 डेज, तो मैं उसका मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे। दोबारा मैंने एक बार तो करा था, उस समय बहुत बेनिफिट है, दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे नहीं लगता आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरे दिल की बात थी, मैंने ज़्यादा इसका कुछ नहीं बताया, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतनी क्वालिटी ख़राब वीडियो की हो, ना मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी हो ना कुछ, बस मैं आपको ये मेरे दिल की जो मुझे नुकसान हुए, मुझे जो लगा कि नहीं आपके लिए गलत है, मैंने आपको वो बताया। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।